ओके, गुड मॉर्निंग बच्चे. सो वी वर डिस्कसिंग सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी. जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की, बेसिकली दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, बट वी हैव इन अवर सिलेबस ओनली वन, दैट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. देर आर टू अदर प्रॉब्लम्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, विच आर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज. But we are focusing only on allocation of resources because this is in our syllabus, right? So allocation of resources, jo problem hai, it is basically concerned with further three types of problems. See, every economy has scarce resources. Every economy has, you know, unlimited wants, which it wants to satisfy with these limited resources having alternative uses. So which means, obviously, every economy has to make a choice. Theek hai? How to allocate its resources. So allocation se related further, three problems hoti hain, three types of questions aate hain. इकोनॉमी के आगे, गवर्नमेंट के आगे, सिस्टम के आगे, जो कि उनको डिसाइड करने पड़ते हैं. दीज आर व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस. सो व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, बेटे विद लिमिटेड रिसोर्सेज वी कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग, कैन वी? सो ऑब्वियसली वी हैव टू डिसाइड what to produce, what not to produce. Similarly, if we think of producing more of say x, ek commodity ki production badha di, to uski production mein resources zyada lag jayenge, to dusre commodity ki production say y ki taraf se resources kam ho jayenge, to uski production kam ho jayegi. Theek hai? So which means we have to make a choice what to produce and further how much to produce. Iske do aspects hai problem ke. Basically ye problem hum keh sakte hain, it is related to selection of goods. This problem is related to selection of goods, kyunki here we are deciding what to produce and what not to produce. You are here in the school for limited time periods. We cannot, earlier we used to have 7 periods for you people. Now we cannot have 7 periods, which means we cannot teach all the subjects in a single day. So the authorities had to make a decision what to teach, what not to teach. Agar main kehti hu mere economics ka bahut zyada syllabus pada hai, ma'am mere ko din mein 2 period de do. तो अगर वो इकोनॉमिक्स के ज्यादा दे देते हैं तो अकाउंट्स या मैथ्स के सफर हो जाएंगे. सो इस डिसीजन को लेने से पहले क्या माइंड में रखना पड़ेगा अथॉरिटीज को, कि बच्चों का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, बच्चों का टाइम भी ना वेस्ट हो और बच्चों को अच्छे से समझ भी आ जाए, यानी रिसोर्स ऑप्टिमली यूटिलाइज हो, कल को रिग्रेट ना हो, हमने ऐसे एक पॉलिसी कर देते, ये कर देते, वो कर देते. ठीक है? सो दैट्स वाई this problem arises, because resources are limited, so we have to allocate these resources. While allocating resources, we have to decide kya produce kare aur kitna produce kare, kitne consumer goods, bata diya tha kal consumer goods kaun se hote hain, aur kitne capital goods produce kare. Fir choice karni pad sakti hai peace time goods mein और वॉर टाइम गुड्स में. अब ये क्या है वॉर टाइम गुड्स? अगर इकोनॉमी में वॉर चल रहा है तो राइफल्स, आर्म्स, एमिनिशन, टैंकर्स, एयरक्राफ्ट, बॉम्ब्स, इनके ऊपर भी खर्चा करना पड़ता है. और पीस टाइम गुड्स, सिंपल गुड्स जो हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, वो सारे पीस टाइम गुड्स हैं. डिफेंस गुड्स को छोड़ दो, बाकी सारे क्या हुए? पीस टाइम गुड्स. सो गवर्नमेंट को यह भी डिसाइड करना पड़ेगा कितने रिसोर्सेज पीस टाइम गुड्स की प्रोडक्शन में लगाए और कितने रिसोर्सेज
वॉर टाइम गुड्स की प्रोडक्शन में लगाएं. देन अ चॉइस मे ऑल्सो हैव टू बी मेड बिटवीन नेसेसिटीज कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज. जितने भी गुड्स हम कंज्यूम करते हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन थ्री कैटेगरीज. बेटे क्लासिफिकेशन के ना डिफरेंट क्राइटेरिया है. पहले हमने क्लासिफाई किया कंज्यूमर एंड कैपिटल में, फिर हमने क्लासिफाई किया पीस टाइम एंड वॉर टाइम में, फिर हम किस में क्लासिफाई कर रहे हैं नेसेसिटीज कंफर्ट्स एंड लग्जरीज में. गुड्स वही है, क्लास आपकी वही है. आपकी क्लास में 14 स्टूडेंट्स है. अभी मेरे से किसी ने पूछा कि कितने स्टूडेंट्स आए, मैंने कहा 14 है. मैंने कहा 5 गर्ल्स हैं 9 बॉयज हैं. मैंने क्लास को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. फिर मेरे से दूसरा टीचर पूछने आया कितने मैथ्स के, कितने फिजिकल के और कितने कंप्यूटर के हैं. मैंने कहा टोटल 14 है, 9 फिजिकल के हैं, 4 मैथ्स के हैं, 2 कंप्यूटर के. स्टूडेंट्स तो वही है ना, मैंने उनको डिफरेंट बेसिस पर क्लासीफाई किया. ठीक है, सो यहाँ पर भी गुड्स वही हैं, हम उनको डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं. दोज गुड्स विच आर असेंशियल फॉर योर सर्वाइवल, दीज आर क्लासिफाइड एज नेसेसिटीज. इनके बिना अगर हमें ये चीजें नहीं मिलेंगी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. दूसरे हैं कंफर्ट्स, इनसे हम सर्वाइव तो कर पाएंगे, मर नहीं जाएंगे इनके बिना, लेकिन अगर हम इनको कंज्यूम करेंगे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. लाइक आई टोल्ड यू पीपल यस्टरडे, यहाँ पे अगर हम कूलर्स लगवा देते हैं या आप अपनी डाइट में बेसिक फूड के साथ फ्रूट्स भी खाना शुरू कर देते हो, दूध भी मिलता है आपको, एग्स भी मिलते हैं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. इन गुड्स को क्या कहते हैं, कंफर्ट. इनके बिना हम सर्वाइव जरूर कर पाएंगे, ऐसा नहीं है सर्वाइवल नहीं है, लेकिन अगर हम इनको खाएंगे या कंज्यूम करेंगे हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज. तीसरे होते हैं लग्जरीज. लग्जरीज वो गुड्स हैं जो कि जिसके बिना हम सर्वाइव करेंगे, हमारी एफिशिएंसी भी नहीं बढ़ेगी लेकिन हमारा स्टेटस बढ़ाएंगे. ये हमारा स्टेटस बढ़ाएंगे, बड़े घर, बड़ी कार, एसी, ये सब किस में आते हैं, लग्जरीज में आते हैं. ठीक है, सो नेचुरली गवर्नमेंट और इकोनॉमी हैज टू डिसाइड हम कितने रिसोर्सेज नेसेसिटीज की प्रोडक्शन में डालें, कितने कंफर्ट्स में और कितने लग्जरीज में. जिस तरह से बजट आता है, पता है आपको बजट, थोड़ा सा तो पता होगा, फाइनेंस मिनिस्टर बजट अनाउंस करता है, उसमें बेटे वो यही देखता है मेरे पास टोटल इतने फंड्स हैं, इतने में एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में लगा रही हूँ, इतना मैं इंडस्ट्री में लगा रहा हूँ, इतना मैं कोविड विक्टिम्स के लिए लगा रहा हूँ, इतना मैं हेल्थ के ऊपर, इतना मैं एडुकेशन के ऊपर लगा रहा हूँ. सो कीपिंग सर्टन फैक्टर्स इन माइंड ही हैज टू एलोकेट दीज रिसोर्सेज दैट इज रिलेटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. सो व्हाइल डिसाइडिंग क्या प्रोड्यूस करें और क्या ना प्रोड्यूस करें, और जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितना प्रोड्यूस करें, हाउ टू मेक दिस डिसीजन, हमें ये डिसीजन इस तरह से लेना है या हमें रिसोर्सेस को इस तरह से एलोकेट करना है कि लोगों की यूटिलिटी, जो एग्रीगेट यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो. ठीक है, एग्रीगेट यूटिलिटी शुड बी मैक्सिमाइज्ड. दिस प्रॉब्लम इज क्लियर. कमिंग टू द सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम रिलेटिंग टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हाउ टू प्रोड्यूस. This problem is related to the choice of technique of production. Goods को कैसे produce करें? Goods को produce करने के different techniques होती हैं. हम उन techniques को दो categories में divide कर देते हैं. Labor intensive technique, capital intensive technique. सुनिए कभी? लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. क्या होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक? लेबर इंटेंसिव टेक्निक बेटे वो टेक्निक होती है इन विच वी मेक मोर यूज ऑफ लेबर एंड लेस यूज ऑफ कैपिटल टू प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ गुड. गुड्स को बनाने के लिए अगर हम लेबर का ज्यादा इस्तेमाल करें और कैपिटल का कम इस्तेमाल करें, ऐसी टेक्निक को क्या कहा जाता है?
लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर मेक्स यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक. ज्यादातर वहां पे लेबर का इस्तेमाल होता है और मशीनों का इस्तेमाल कम होता है, ठीक है. सेकेंड इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. यस, अरे लेबर मतलब मैनुअल काम ज्यादा हो रहा है ना, पैसे तो सबको ही देने हैं बेटे, वो तो देना ही है, रिवॉर्ड तो देना ही देना है, रिवॉर्ड तो मशीन को भी देना पड़ेगा, ठीक है. सो यूज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है. सो मनी तो बेटे है ही है ना. हेयर कैपिटल, बाय कैपिटल वी मीन एसेट्स काइंड, ठीक है. ज्यादा कौन सा यूज हो रहा है, सो मोर यूज ऑफ लेबर इज बीइंग यूज्ड. वेयर एज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो होती है वेयर वी मेक मोर यूज ऑफ कैपिटल एंड लेस यूज ऑफ लेबर. सो यू फाइंड आपके हमारे जलंधर में इतनी कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, गुड़गांव दिल्ली महाराष्ट्र में जाओगे नहीं जा सकते हैं, क्या करेंगे, यूट्यूब खोलेंगे. यूट्यूब में कोई भी एक चॉकलेट मेकिंग फैक्ट्री कर लो, कोल्ड ड्रिंक मेकिंग इंडस्ट्री खोल लो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खोल लो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग खोल के देखो, वहां पे बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई, ठीक है. और लेबर आपको सिर्फ वो फैसिलिटेट कर रहे हैं वो प्रोडक्शन में, ठीक है. एक चीज उठा के यहाँ पे रख दी, वो उठा के रख दी, दैट्स इट. दैट इज वी मेक मोर यूज ऑफ कैपिटल एंड लेस यूज ऑफ लेबर, देन दैट टाइप ऑफ टेक्निक इज नोन एज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. सो नाउ दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द प्लानर्स बीइंग गिवन अ चॉइस, भाई ये वाली टेक्निक का इस्तेमाल करोगे या ये वाली टेक्निक का इस्तेमाल करोगे. बोथ टेक्निक्स हैव देयर ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. व्हाट वुड बी द मेरिट ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, अच्छा लेबर ज्यादा एफिशिएंट होती है या मशीन, मशीन. तो लेबर की एडवांटेज बताओ, लेबर इंटेंसिव. ओके, फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी आप कहना चाह रहे हो. ओके, एनीवन एल्स दिस साइड. बेटे इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, कम होंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है. इंडिया जैसी कंट्री में, हमारी कंट्री लेबर अबंडेंट और कैपिटल डेफिशिएंट है या नहीं, तो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है कि नहीं है. वो तभी मिलेंगी अगर वी मेक यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक. ऑन द अदर हैंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जिसमें कैपिटल का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी एडवांटेज ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है. वी कैन प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल, देयर बाय रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और गुड्स बेटर क्वालिटी के बनते हैं. यानी यहां पे हम रिसोर्सेस को इकोनोमाइज कर सकते हैं. तो ये टेक्निक कौन सी इकोनॉमीज के लिए सूटेबल है, जो कि कैपिटल सरप्लस इकोनॉमीज है, जैसे यूएस जहां पे लेबर की कमी है कैपिटल सरप्लस में है, दे कैन मेक यूज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है. बट ऐसा नहीं है कि अगर हम आपको कि मैम फिर इंडिया में तो हम कभी भी स्विच ही नहीं कर पाएंगे लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव की तरफ, नहीं स्विच कर पाएंगे ना, क्योंकि हम हमेशा कहेंगे हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले. तो इसीलिए मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों ध्यान में रखने पड़ते हैं. डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सेक्टर्स वी मेक यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. सो व्हाइल डिसाइडिंग विच टेक्निक टू बी यूज्ड, हमें एक जो मेजर फैक्टर ध्यान में रखना है वो ये है, वो वाली टेक्निक यूज करो जो मिनिमम रिसोर्सेस से मैक्सिमम आउटपुट दे, विच गिव्स मोर आउटपुट विद सेम रिसोर्सेस और ठीक है, कम रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके ज्यादा आउटपुट दे, या सेम लेवल ऑफ आउटपुट दे, या सेम रिसोर्सेज इस्तेमाल करके ज्यादा आउटपुट दे. कोई भी ऐसी टेक्निक जो है वो रिसोर्सेज को इकोनोमाइज करती है, तो
वो और बाकी अदर फैक्टर्स को अपनी कंट्री की कंडीशन को माइंड में रखते हुए डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए, वेदर टू मेक यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक और टू मेक यूज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, बोथ हैव देयर ओन मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट्स. इसका मेरिट इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, डीमेरिट्स हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कम होगी यहां पर. मेरिट क्या है, एफिशिएंसी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी. डीमेरिट क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ जाएगी इकोनॉमी में. ठीक है, सो कीपिंग ऑल दीज इन माइंड द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड. इट्स नॉट एन इजी चॉइस, दैट्स व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम. मैंने कोई सोल्यूशन नहीं बता दी. ठीक है, मैंने आपने पूछा कि मैम मैं कॉमर्स लूँ कि मैं नॉन मेडिकल लूँ, मैंने कहा ये देखो ये चार ऑप्शन है नॉन मेडिकल के पास, ये छह ऑप्शन है कॉमर्स के पास, देख लो क्या लेना है. आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपको सारे फैक्टर्स माइंड में रखने पड़ेंगे. सो थ्रेटिकली तो मैंने ऐसे ही पढ़ाना है आपको, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीजें क्योंकि प्रॉब्लम ही है ना, इट्स अ प्रॉब्लम, सो इसकी सोल्यूशन में मल्टीपल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व. समझ में आ गया, आगे चले. नेक्स्ट प्रॉब्लम relating to allocation of resources, for whom to produce, किसके लिए produce करें. अब बेटे there are different people in our economy, some are rich some are poor, so for whom to produce, rich के लिए produce करें, poor के लिए produce करें. ठीक है, so basically ये जो problem है this is related to the problem of distribution of income, क्योंकि इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन ही डिसाइड करती है कि किसके लिए गुड्स इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं. अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअर, देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. ठीक है, मैंने आपकी इकोनॉमी ये क्लास को इकोनॉमी मान लिया, ये अलग बैठे हैं दो बच्चे, ये लेटस से ये रिच हैं, ठीक है, ये अलग क्लास है. इनके पास हम इकोनॉमी आप सब मिलके 100 करोड़ की आउटपुट अर्न कर रहे हो, जितने की आउटपुट प्रोड्यूस होती है उतने की इनकम जनरेट होती है इकोनॉमी में. समझ गए, मतलब 100 करोड़ की इनकम जनरेट हुई, उस 100 करोड़ में से 60 करोड़ इनके पास है, ये दो लोगों के पास. कितने बचे, 40 करोड़. ये 40 करोड़ आप 12 लोगों में डिवाइडेड हैं. इज इट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, इज इट फेयर, व्हाट डज इट शो, दैट देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन रिच एंड, इट शोज दैट स्मॉल परसेंटेज ऑफ योर इकोनॉमी इज हैविंग लार्जर शेयर ऑफ इनकम. And large proportion of your economy is having small percentage of income. It's just like आपका birthday है, आपने केक बनवाया, friends को बुलाया, दो आपके best friend थे, उनको ये सारा केक खाने को दे दिया, दो friends को, बाकी जो 20 friends आए थे उनको ये वाला टुकड़ा दे दिया, उनको बेचारे को इतना छोटा छोटा टुकड़ा आया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई ना. ठीक है, सो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस की, दिस इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके भी दो एस्पेक्ट्स हैं, दो तरह से हम इसको स्टडी करते हैं. वन इज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल गिवन इन द बुक्स बेटे. Another is functional distribution. Personal distribution, functional distribution. Personal distribution problem, it is related with the distribution of income amongst individuals. It studies the distribution of income amongst individuals. That is, it is the study of income inequalities.
Right now I studied, I told you, this is how income is distributed. So what are we doing? We are studying income inequalities present in the distribution of income. So when we make study of income inequalities present in the distribution of income, it is the study of personal distribution. Another aspect of this problem, functional distribution. अभी पहले मैंने कहा 100 करोड़ की इनकम जनरेट हुई, हमने स्टडी किया ये लोगों में, इंडिविजुअल्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो उसमें से हमने ये देखा कि 60 करोड़ दो लोगों के पास है और 40 करोड़ 12 लोगों के पास है. ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से स्टडी कर रही हूं कि ये जो 100 करोड़ की इनकम जनरेट हुई, 100 करोड़ की प्रोडक्शन हुई तो 100 करोड़ की इनकम हुई. प्रोडक्शन कैसे होती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स हु हेल्प इन प्रोडक्शन. व्हाट आर दोस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटलिस्ट, एंटरप्रेन्योर. विच मींस आप ही इकोनॉमी के लोग हो बेटे, आपने प्रोडक्शन की ना 100 करोड़ की. ठीक है, आप में से कोई लैंडलॉर्ड है, कोई लेबरर है, कोई कैपिटलिस्ट है और कोई एंटरप्रेन्योर है. आप चारों ने मिलके अपनी सर्विसेज दी जिसके करके इकोनॉमी में 100 करोड़ की आउटपुट प्रोड्यूस हो गई. नाउ यू वुड, द लैंडलॉर्ड वुड आस्क for the reward for his services or not? आप लैंडलॉर्ड हो, आप क्या बोलोगे? मैंने भी अपनी सर्विसेज दी है, मुझे इसके बदले क्या चाहिए? रेंट चाहिए. आप लेबरर हो, आपने अपनी सर्विसेज दी तो करके 100 करोड़ की आउटपुट प्रोड्यूस हुई, आप क्या मांगोगे? वेजेस. आप कैपिटलिस्ट हो, इंटरेस्ट. आप एंटरप्रेन्योर हो, प्रॉफिट. यू वुड आस्क फॉर प्रॉफिट. नाउ दिस प्रॉब्लम, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेट्स टू डिसाइडिंग हाउ मच टू बी पेड टू द लेबरर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, हाउ मच टू द how much to be paid to the landlord in the form of rent, how much is to be paid to the in the form of, how much to in the form of, and how much to in the form of profit. How will we decide that? Yahi problem hai ke sab factors ne milke output produce ki, सब अपना रिवॉर्ड मांग रहे हैं. अगर मैं बोलूं 100 करोड़ की हुई है ऐसे करो 25-25 ले लो, इज इट जस्टिफाइड? इट इज नॉट जस्टिफाइड. तो क्या जस्टिफाइड है? मैंने आपको एक टास्क दिया, आप सबने मिलके काम करके दे दिया, मैंने बिना पूछे किसने क्या कंट्रीब्यूट किया, मैंने वो काम का मुझे जो रिवॉर्ड मिला आप में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. कल में से कोई बच्चा कहेगा ये देखो इसने कोई काम नहीं किया, कोई हेल्प नहीं करी, मैं इसको फोन करती रही, मेरे घर भी नहीं आई, मैंने रातों जाग के काम किया तो भी मैम ने उसको भी सेम दिया, मुझे भी सेम दिया. कहोगे तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं फिर मैं, बताओ? प्रोडक्टिविटी के हिसाब से जिसने जितना कॉन्ट्रीब्यूट किया उसको उतना रिवॉर्ड दे दो. So same is the case. This is how this problem is to be solved. Problem kya hai? Kitna landlord ko distribute kare? Kitna labor ko? Kitna capitalist ko? Aur kitna entrepreneur ko? To kaise decide kiya? According to their contribution. Contribution ko technical terms mein hum keh dete hain marginal productivity. According to their
marginal productivity. So this is what this problem is all about. How to distribute the total income generated as a result of services of these factors of production amongst factors of production. ये जो इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज के करके जनरेट हुई है इसको डिफरेंट फैक्टर्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें. तो क्या आंसर बनता है इसका, कैसे करनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, उतना ही रिवॉर्ड दो जितना उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया. ठीक है, सो बेसिकली दीज आर दी प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. What and how much to produce primarily related to the selection of goods. How to produce related to the problem of choice of technique. For whom to produce related to the problem of distribution of income. It has two aspects, personal distribution, functional distribution. Personal distribution is the distribution of income amongst individuals. Here we study the presence of income inequalities in the distribution of income. Functional distribution related to the distribution of income amongst different factors of production. Clear? Is it clear? So these are the central problems of the economy. Anyone having any doubt? Bete, what is opportunity cost? This is a very important concept of economics, which is made use of in economic theories. Okay? So, opportunity cost is basically the cost of or the value of factor in its next best alternative. Cost of factor in its next best alternative use. See, I told you every factor of production or every resource has alternative uses. ठीक है, किसी का specific use नहीं होता. So yeah, let us say I am working here, I am getting salary. Let's say I am getting rupees 1 lakh per month. ठीक है, इफ आई लीव माय जॉब और व्हेन आई जॉइंड दिस जॉब, ऐसे सोचो आई हैड 4 डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल विद मी. 1, आई कुड वर्क इन द कॉलेज एंड गेट 70,000 पर मंथ. आई कुड वर्क इन द कोचिंग सेंटर एंड अर्न रुपीज 80,000 per month, or I could do outstation job where I had to live in a hostel and they would give me 50,000 per month. So I chose this institution which is paying me the highest. ठीक है, मैंने A में काम करने के लिए B, C और D तीनों को सेक्रीफाइस किया. ऑब्वियसली आई कैन ओनली बी इन माई प्रेजेंट यूज, मैं सिर्फ एक ही काम एक टाइम पे कर सकती हूं. सो टू रिमेन इन माई प्रेजेंट यूज आई सेक्रीफाइस्ड ऑल दीज 3. नाउ यू टेल मी विच इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच आई हैव सेक्रीफाइस्ड. This is my opportunity cost of being in the present job. This is my opportunity cost is not in monetary terms. ये कोई actual खर्चा नहीं है. अगर मैं आपसे पूछूं बेटे पेन के लिए पेन लेके आए हो कितना खर्चा किया, या आज ओला से आए हो कितना खर्चा किया, आप मेरे को बोलोगे 100 रुपए, वो आपकी पॉकेट से गया. ठीक है, यहां पे ये जो कॉस्ट है ये मॉनेटरी एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा आपका कुछ. इट्स नॉट रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सैक्रिफाइस्ड. सो बाय रिमेनिंग इन द प्रेजेंट जॉब आई हैव सैक्रिफाइस्ड दीज 3 ऑप्शन,
बट विच इज माई नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस्ड सी ऑप्शन. सो माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बींग इन दिस स्कूल इज रुपीज 80,000. Opportunity, I am here, by being here, I am sacrificing 80,000 per month. This is my next best alternative, which I have sacrificed to remain in my present job. Got it? Ek farmer hai, okay, chalo, kal karte hain.